नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए यदि आपने अब तक उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए एक चटपटी खबर की ओर रुख करते हैं। सीता और गीता, नाम सुनते ही जहन में मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी की फिल्म आ जाती है। वैसे भी इन नामों को देखें तो लगता है कि या तो कोई सगी बहनें होगी या जुड़वा बहनें होगी या फिर कोई पक्की सहेलियां हो सकती है। कुल मिलाकर ऐसा रिश्ता जो कभी ना टूटने वाला हो। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला है, जहां सीता और गीता न तो बहनें हैं और न ही सहेलियां हैं, लेकिन अब वो 7 जन्मों के लिए एक ही युवक की जीवन संगिनियां बन बैठी है। सीता और गीता पर दिनेश के प्यार का ऐसा बुखार चढ़ा कि दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर एक साथ रहने का निर्णय तक कर डाला और 25 अप्रैल के अबूझ मुहूर्त में हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे की हो गई। आदिवासी बाहुल क्षेत्र बांसवाड़ा के एक गांव का हीरो दिनेश, युवाओं में उसकी स्टाइल के चर्चे और युवतियां उस पर फिदा। कुल मिलाकर अपने गांव का कान्हा, जिसके अगल बगल गोपियां मंडराती रहती है। दिनेश की अदाओं को देखकर गांव की रहने वाली सीता और गीता उसे कब दिल दे बैठी दिनेश को भी पता नहीं चला। लेकिन दुविधा दिनेश और सीता गीता के सामने ऐसी आन खड़ी हुई जो काफी मुश्किलों भरी थी। दोनों ही युवतियों ने दिनेश से शादी करने का मानस बना लिया और दिनेश से भी मना न किया जा सका और 25 अप्रैल को तीनों ही हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। हिंदू रीति रिवाज से सीता और गीता ने दिनेश संग एक ही मंडप पर एक ही साथ 7 फेरे लिए और ससुराल के लिए विदा हो गई। तो देखा आपने, दिनेश से बेपनाह प्यार करने वाली सीता और गीता ने समझौता करते हुए न सिर्फ ब्याह रचाया बल्कि एक दूजे के साथ 7 जन्मों तक रहने की रस्मों को भी पूरा किया। इस अविश्वसनीय और अनूठी शादी के चर्चे चौतरफा रहे। हर कोई अचरज भरे अंदाज में शादी के इस वीडियो को देख भी रहे हैं और अपने परिचितों तक वायरल भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 7 जन्मों का यह मिलन आखिरी सांस तक रहता है या नहीं। उदयपुर न्यूज तीनों के लंबे सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ खूब फूटो फलों की कामना करता है। नमस्कार।